हेलो फैमिली, आज हम बनाएंगे दाल की रेसिपी, दाल पीठी। आइए देखते हैं कैसे बनाएं। ये कुकर में दाल डालें, छोटी वाली गिलास से, ये 1.5 गिलास, ये देखिए। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, ये थोड़ी सी जीरा आधा चम्मच। अब इसमें हम एक टमाटर छोटा हो कटा हुआ, अब हम पानी लेंगे, अब ये पानी डालें, इससे ये 1 गिलास, ये 2 गिलास और ये थोड़ा सा और। आप अपने हिसाब से, अपने नाप से ले सकते हैं दाल के क्वांटिटी। अब इसे हम बंद कर दिए। अब इसे 3 सीटी आते तक चढ़ा देंगे। अगर टाइमिंग से करें तो 10 से 15 मिनट। दस से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे चढ़ा दीजिए। अभी से 3 सीटी आते तक, ये देखिए। अब हम थोड़ा सा आटा ले लेते हैं। आपको जितना बनाना हो उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप आटा और दाल दोनों ले। आटे को आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सान लेते हैं। आटा लगभग आधा किलो है, 500 ग्राम के लगभग। पाँच सौ ग्राम के हिसाब से आपको 1 से 1.5 कप दाल काफी है दाल पीठी बनाने के लिए। अब हम आटा गूंथ के तैयार करके रख लेंगे। जब तक हम आटा सानते हैं, जब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को आप भी आगे बढ़ाइए। जो भी गलती होता है कमेंट कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए। अब हम आटा गूंथ लिए हैं, आटा मीडियम, जैसे रोटी चपाती के लिए हम लगाते हैं वैसी लगाएंगे। अब इसे भी हम ढक के रख देते हैं। ये 3 सीटी आके हमने बंद कर दिए। कुकर ठंडा होने के बाद आप खोल लेते। ये देखिए दाल बन के तैयार हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। ये गैस ऑन कर लिए। ये देखिए अब पानी 1 गिलास और डाल देते हैं। अब इसे चला लेते, थोड़ा पतला कर लेंगे। इसमें जब हम आटे का वो बना के, दाल पीठी बना बना के डालें तो अच्छे से सीन जाए। अब इसे खोलने के लिए हम छोड़ देते जब तक आप ये बना लेते हैं। आपका ये दाल देखिए, ये छोटा सा आटा का लोई तोड़े। अब आटा, सूखा आटा लगा लीजिए और इसे बड़ा सा रोटी की तरह बना लीजिए। अब इसे हम बेल लेते हैं। देखिए रोटी के जैसे बड़ा सा रोटी बनाएंगे। अब 1 गिलास ले लेते हैं। गिलास के सहायते से गोल गोल ऐसे काट लेते हैं। देखिए एक रोटी से जितना भी निकले। अब इसे ऐसे लिए और ये देखिए ऐसे पकड़ के इसको ऐसे डिजाइन बना देंगे।
पूरे डिजाइन को ऐसी बना लेते हैं आटे का। अब ऐसे डिजाइन बनाने से क्या है, इसके अंदर जो है ना दाल बहुत अच्छी तरह से घुसती है और बहुत अच्छा सींचती भी है। आप एक बार दाल पीठी बना के देखिए, बहुत ही अच्छा सिंपल एंड सादा तरीके से बनती है और अच्छी भी लगती है और जल्दी बनती है, कम तेल में भी बनती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी पौष्टिक है। अब इसे दाल में हम एक एक करके डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा चला लेते हैं ऐसी करके हम, और बना के इसी में डाल दिए। और ये देखिए अब इसमें उबाल आ गई। अब आँच को कम कर दिए, गैस के फ्लेम को हमने कम करके अब इसे 10 मिनट ढक के पकाएंगे ऐसी चला चला के बीच बीच में। इसे अब हम ढक ढक के चलाएंगे, देखिए अब ढक देते हैं। चला लेते हैं थोड़ा सा, बीच बीच में चलाने से ठीक है, नीचे नहीं बैठेगा। क्या है ना आटा है थोड़ा नीचे बैठ जाती है। अब ये हो गई है, अब इसे उतार लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा हम छौंक लगा देंगे। अब इसमें हल्का सा धनिया डालेंगे, अब इसे छौंक के लिए हम तैयार करते हैं। अब देखिए गैस में एक करछुल रखे हैं तड़के के लिए, गैस को चालू कर लिए हैं, गरम हो गया। अब देखिए करछुल, 2 चम्मच के लगभग हम तेल डालेंगे। इसमें कोई मसाला ज़्यादा, तेल कुछ ज़्यादा यूज नहीं होती है। ये जीरा डालें और ये लाल मिर्च और हरी मिर्च है। लाल मिर्च हरी मिर्च आप अपने हिसाब से, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम अगर बच्चे लोग के लिए बनाना है तो 2 से 3 ही डालिएगा, जैसे 2 लाल मिर्च 2 हरी मिर्च। और ये कड़ी पत्ता डालेंगे, अभी से देखिए अभी से लाल होते तक तड़के को थोड़ा लाल कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा धनिया बचा था उसे भी हम डाल लेते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप एक बार अपने फैमिली को बना के खिलाइए, उन्हें भी जरूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अब ये तड़का इसमें डाल के अब इसको चला लेते हैं। हम थोड़ा देसी स्टाइल से बनाते हैं फैमिली। अब इसे ढक लेते हैं, फिर हम इसको आपको निकाल के दिखाएंगे सर्व करके। एक प्लेट में देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है, सिंपल एंड सादे तरीके से बनाते हैं इसे। अब बाय, बहुत ही अच्छी बनी है।